रूस यूक्रेन जंग और इस जंग के बीच पुतिन के कड़े रुख से आप खुद वाकिफ है। इस बीच पुतिन का एक और कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन की खुलकर मदद करना और रूस का कहना न मानना यूरोप के कुछ देशों को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। रूस ने बेहद सख्त कदम उठाते हुए पोलैंड और बुल्गारिया की गैस तेल सप्लाई रोक दी है। बता दें कि पिछले महीने पुतिन ने रूस से गैस तेल खरीदने वाले देशों से कहा था कि वे रूस की मुद्रा रूबल से भुगतान करें, लेकिन यूरोप के देशों ने पुतिन की ये बात मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब पुतिन ने सख्त एक्शन लेते हुए सप्लाई रोकने का फैसला किया है। पोलैंड और बुल्गारिया के मुताबिक रूस की दिग्गज ऊर्जा कंपनी गजप्रोम ने उन्हें बताया कि वे गैस सप्लाई रोक रहे हैं। पोलैंड की गैस कंपनी PGNiG ने कहा है कि रूस ने यमल यूरोप पाइपलाइन के जरिए होने वाली गैस की डिलीवरी बंद करने का फैसला किया है। वहीं बुल्गारिया के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि रूस तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए बुल्गारिया आने वाली गैस की आपूर्ति भी बंद कर रहा है। बता दें कि रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद पोलैंड शुरू से ही यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहा है। पोलैंड ने जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को कई हथियार भी दिए हैं। पोलैंड की सरकार ने इस सप्ताह कहा था कि वो यूक्रेन की सेना को टैंक भेज रही है। बता दें कि यूरोप में घरों को गर्म करने, बिजली बनाने और ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बड़ी मात्रा में रूस से आने वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब तक सभी यूरोपीय देश करीब 60% भुगतान यूरो और बाकी का डॉलर में करते आए हैं। यूक्रेन से युद्ध के बाद पुतिन ने इस भुगतान को पूरी तरह से रूबल में करने की मांग की थी। इस पर यूरोपीय देशों के नेताओं ने कहा था कि वो पूर्व निर्धारित शर्त का उल्लंघन है, इसीलिए वे रूबल के जरिए पेमेंट नहीं करेंगे। बता दें कि पोलैंड सालाना करीब 9 बिलियन क्यूबिक मीटर रूसी गैस आयात करता है। इससे देश की लगभग 45% ज़रूरतें पूरी होती है। अब आगे पुतिन का बर्ताव और कितना बदलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।